सुप्रीम कोर्ट ने बैच ऑफ पिटीशंस रिलेटेड टू रिकंसिडरेशन ऑफ द 2022 वर्डिक्ट इन विजय मदनलाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को सुनना शुरू कर दिया है। इस वर्डिक्ट में ईडी की पावर्स को अपहेल्ड किया गया था रिलेटिंग टू अरेस्ट समनिंग सर्च एंड सीजर एंड द स्ट्रिंगेंट बेल कंडीशंस एंड द रिवर्सल ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ अंडर द पीएमएलए। जैसा कि आपको याद होगा विजय मदनलाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस मनीष सिसोदिया की बेल हियरिंग के दौरान काफी सुना गया था। यही वो जजमेंट था जिसके बेसिस पे दोनों तरफ के काउंसिल ने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे और इसी कंफ्यूजन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को रिकंसिडर करने का डिसाइड किया ताकि कुछ प्रोविजन पर क्लैरिटी मिल सके। पिछले हियरिंग के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के ऑब्जेक्शंस रेज करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इन बैच ऑफ पिटीशंस को सुनने के लिए अग्री किया था। आपको बता दो कि सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि 3-judge बेंच अपील पर हियरिंग नहीं कर सकती है ओवर अ जजमेंट ऑफ अ कोऑर्डिनेट बेंच। कोर्ट ने बेशक उनके ऑब्जेक्शंस को नोट किया पर उन्हें एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया था। उन्होंने ईडी को अपने पॉइंट्स नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में रखने को कहा था। 22 नवंबर को जब ये मैटर टेकअप किया गया था तो पेटिशनर्स के बिहाफ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के आर्ग्यूमेंट सुनने को मिले हैं। आर्ग्यूमेंट्स करते हुए एडवोकेट सिब्बल ने बेंच को क्लैरिफाई किया कि वो कोर्ट को ये कन्विंस नहीं करना चाहते हैं कि विजय मदनलाल सही है या गलत, वो बस रिकमेंड करना चाहते हैं। सिब्बल ने बताया कि इस केस के इश्यूज रूल ऑफ लॉ के इतने फंडामेंटल है कि जजमेंट को रिकंसिडर किया जाए। सिब्बल स्टेटेड, द इश्यूज इन्वॉल्व्ड आर वेरी सीरियस एंड अफेक्ट द राइट टू लिबर्टी। द जजमेंट इन एडीएम जबलपुर वॉज सेट असाइड आफ्टर 40 years। एके गोपालन वॉज सेट असाइड आफ्टर 40 years। एके गोपालन was set aside in Minerva Mills after many years. Judgments are set aside because new paradigms emerge and the court has to think of the consequences of those paradigms in the context of our constitution and the liberty of the people. सिब्बल ने कहा कि कोर्ट्स को फैक्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है कि मैटर ऑफ लॉ को रिकंसिडरेशन की जरूरत है तो इसे लार्जर बेंच को रेफर किया जाए। एडवोकेट सिब्बल ने बेंच के सामने केस के ब्रॉड इश्यूज को पेश किया। सबसे पहले उन्होंने 2022 के जजमेंट फॉर क्लासिफाइंग द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एज अ रेगुलेटरी रादर देन अ पीनल स्टैट्यूट पर सवाल करते हुए आर्ग्यू किया कि अगर देखा जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के ऑफेंडर के लिए पनिशमेंट है। विजय मदनलाल ये कहता है कि इसके बावजूद पीएमएलए एक पीनल स्टैट्यूट नहीं है। सिंपल क्वेश्चन, मेनी अदर स्टैट्यूट्स हैव कॉन्फिस्केशन प्रोविजंस बट व्हाट मेक्स पीएमएलए सो स्पेशल दैट इट मेक्स इट अ रेगुलेटरी स्टैट्यूट। इसके अलावा उन्होंने अक्यूज्ड या फिर विटनेस की कैपेसिटी के रिलेशन में एम्बिग्यूटी पर अपना इशारा किया। ही सेड, इफ समवन इज बीइंग समन्ड दे शुड बी टोल्ड व्हाई। If they are involved in any predicate offense, they should be informed about it. Because before the summons are executed, they may exercise their rights for whatever they are worth. और इसी argument को और अच्छे से समझाते हुए उन्होंने गोविंद सिंह, कांग्रेस legislator and leader of opposition of the मध्य प्रदेश legislative assembly को issue किए गए summons right ahead of the local elections का reference दिया। कपिल सिब्बल के इस contention पर doubt करते हुए जस्टिस त्रिवेदी ने उनसे पूछा, Summonses are meant for the gathering of information. One is not deprived of their personal liberty, but is called to assist an investigating officer. I want to know how Article 21 comes into play when someone is merely being summoned. जिस पे सिब्बल ने जवाब दिया, If someone does not know if they have been accused in a case, how will they approach a court for anticipatory bail in exercise of their rights? सिब्बल का आर्ग्यूमेंट ये भी था कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए यूज किया जा रहा है और क्लेम किया कि ईडी रूटीनली केसेस में इन्वॉल्व हो रही है इमीडिएटली आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स। With respect to the predicate offense, advocate Manu Singhvi भी इस केस में petitioner को represent कर रहे हैं। उन्होंने भी hearing के दौरान argue किया। In innumerable cases, section 120B criminal conspiracy of the Indian Penal Code is added as a standalone offense. पर इस point पर Justice खन्ना ने ED की practice of invoking PMLA even against non-scheduled offenses like Income Tax Act offenses by using section 120B of IPC को disprove कर दिया। Justice खन्ना ने agree किया कि section 120B एक standalone offense है, पर जब तक parent offense PMLA में include नहीं होता
then the PMLA cannot be applied merely by alleging criminal conspiracy. अगला सवाल जो सिबल ने किया वो विजय मदन लाल के सेक्शन 3 की इंटरप्रिटेशन को लेकर था, जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस को डिफाइन करता है. He says, through the explanation to section 3, the meaning of the provision was modified by changing and with or. This was upheld as clarificatory judgment. What principle of interpretation is this that the base section says and not or? This was upheld as clarificatory judgment. What principle of interpretation is this when the main section says and not or? ऐसे और भी concerns हैं जो सिबल ने रेस किए, जैसे कि PMLA के अंडर सेक्शन 45 के ट्विन बेल कंडीशंस और सेक्शन 50 में इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बीच की लाइन, और उन्होंने ये भी पूछा कि क्या एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो सकता है और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कैसे डिटरमाइन की जाएगी. फाइनली उन्हें आर्ग्यू करते हुए सुना गया कि एक्ट के प्रोविजंस ना तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स से अलाइन करते हैं. ही आल्सो पॉइंटेड आउट बोथ दिस कन्वेंशंस रिलेट टू ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स. But the PMLA's ambit has been extended to cover even offences not related to drug trafficking, organized crimes and other serious crimes. जिसपे जस्टिस खन्ना ने रीजन दिया, that extension can be made by the legislature. सिबल ने रिप्लाई किया yes, और साथ में ये भी कहा, but then it can also be tested by this court on the basis of our constitutional principles. That's my argument. इसके बाद जस्टिसेस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी ने मैटर को नेक्स्ट डे के लिए अर्जन कर दिया. देखते हैं कि और आगे इस केस में क्या आर्ग्यूमेंट्स रिवील होते हैं. स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा.